एक तो हमें ये पता लगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड होता है जी, ये बता दिया ओरेस्टेड ने। जब कोई डिस्कवरी होती है तो फील्ड के पास दो प्रॉपर्टी हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन। तो अब हमारा जो अगला पूरा जोर होगा किस बात पे होगा कि यार फील्ड की वैल्यू क्या है और फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आप याद करें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्शन निकालनी सिखाई थी, ठीक है जी। तो यहां पर भी हम ये द्वारा से दो चीजें हैं, वैल्यू निकालने के लिए अलग लॉ है कॉल्ड बाइट्स लॉ और डायरेक्शन निकालने के अलग लॉ है। दोनों में आपको सिखाता हूं एक बार फिर से बेटे, ठीक है। याद रखिए बेटा चैप्टर ट्विस्टेड है, फिर मुझे बाद में कसूर मत देना यार। आप भी है ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। सीखना है इसको, मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी है। आगे बढ़ रहे हैं जी, बायट सेवरेट्स ये दो साइंटिस्ट हैं बेचे। इन्होंने ये इन्होंने क्या तुम्हारी हेल्प की है, इन्होंने एक ऐसा फार्मूला बना दिया, ऐसा मैजिक फार्मूला बना दिया जिससे किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। छोटा सा हिस्सा बेटे, ठीक है, एक कंडक्टर बना लेते हैं, एक कंडक्टर बना लेते हैं, ओके जी। ये कंडक्टर मैंने बना लिया बेटा, इसमें हमने क्या पास करना है जी, आई पास करना है। ये देखिए मैंने आई पास कर दिया, ओके। अब कोई छोटा सा पीस, स्मॉल पीस, समझते हैं स्मॉल पीस का मतलब क्या होता है, स्मॉल पीस। हाँ बेटे आ जाओ, सर स्कूटी खराब हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, आ जाओ। ये स्मॉल करंट एलिमेंट है एक्चुअली। आज हमने यहाँ से आगे बढ़ना है तो मुझे आपकी जरूरत महसूस हो रही थी, चैप्टर को भी आगे लेके चलेंगे बेटे, है ना। बड़ा मजेदार चैप्टर है यार, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे यार, आपको आपका ये फेवरेट बन जाएगा, और थोड़ा गड़बड़ किया तो आपको इतना परेशान करेगा आप, मुझे सर जी बैठो मेरे साथ, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को स्लो पढ़ाऊंगा और टाइम लगा के पढ़ाऊंगा बेटे। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने आइडियल, आइडियल क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है जी। तो आइडियल होता है बच्चे, आइडियल है जी स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। पहले आपको मेरी बात समझनी है कि ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा है, इसमें करंट पास हो रहा है, इसकी वजह से जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी वजह से, एकदम हिंदी में बोल रहा हूं समझ लेना, इसकी वजह से बेटा कोई पॉइंट पी है जी, पी कहीं भी हो सकता है यार, जहां दिल करेगा मैं वहां पॉइंट बनाऊंगा। आप बाद में बताना कि क्या फर्क पड़ेगा इस बात से। मान लो मैंने पॉइंट यहां मान लिया, एलिमेंट से ये दूरी कितनी है जी, आर, एलिमेंट से दूरी कितनी है जी आर, और बच्चों देखो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, हाँ या ना में जवाब दो। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसका डिस्टेंस के साथ कितना एंगल है, थीटा है,
फिर से थीटा किसमें एंगल है, करंट की डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके साथ एंगल है। ज्यादा समझाने के लिए अगर मैं पी पॉइंट को यहां ले जाऊं, थीटा बताओ। बिल्कुल सही, थीटा क्या होगा, यहां ले जाऊं तो, यहां ले जाऊं तो 180। यानी पी पॉइंट आप कहीं भी उंगली रखोगे उससे क्या चेंज होने वाला है, थीटा चेंज होने वाला है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे आर भी चेंज होगा। क्यों यार, तुम कहोगे मैंने तो उंगली यहां रखनी है तो आर बढ़ गया ना। समझ में आया, जहां भी आप रखना चाहते हैं। तो बायट सेवरेट्स ने क्या किया है तुम्हारे लिए यार, हिस्टोरिकल दोनों बंदों ने इतनी हेल्प की है तुम्हारी यार। ये छोटा सा जो एलिमेंट है बच्चों, इसकी वजह से पी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है। क्या लॉ बनाया है, देखिए क्या लॉ बनाया है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी किसकी वजह से बेटे, जो ये पॉइंट जो मैंने फिर से बता रहा हूं, जो मैंने पार्ट ये हाईलाइट कर दिया है। आधे बच्चे यही समझ नहीं पाते कि सर ये है क्या, इस छोटा सा जो ब्लैक पोर्शन है इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे। लॉ हमेशा याद किए जाते हैं। आप कहोगे सर्दी क्यों आया, अरे इन बंदों ने सालों लगा दिए ये डिस्कवर करने के लिए जो डीवी है किस पे डिपेंड कर रहा है, आइडियल और साइन ऑफ एंगल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये सब हिंदी में याद करना है, ठीक है जी। आप तुम कहोगे सर्दी कैसे आया, भाई बंदों ने लॉ बनाया यार प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तीनों की प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा हम, आइडियल साइन थीटा अपॉन लिख सकते हैं। बात से नहीं, जिसको बास्तियारी खड़ा हो जाए, आइडियल साइन थीटा बाय, ठीक है जी। हमेशा हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते रहे हैं, एक कांस्टेंट लगाते रहे हैं बेटा। तो डीबी बन गया जी स्मॉल के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। के की वैल्यू बेटे 1 है किसके लिए, सीजीएस के लिए बेटा। जैसा कि हमने कूलम्स लॉ में कोई न्यूमेरिकल सीजीएस में किया ही नहीं है, तो सेम लॉजिक हियर कि सीजीएस में न्यूमेरिकल करेंगे ही नहीं क्योंकि करंट चलेगा एम्पियर में। समझ में आया, तो के 1 का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, और के हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, एक कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -7। इसकी वैल्यू है जी 10 की पावर -7। तो ये बन जाएगा बच्चों डीवी इज व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर फॉर एसआई यूनिट। आप बात करते हैं, बात समझते हैं कि म्यू नॉट क्या है जी, याद कर लेना जी। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू एक बार फिर से बोलो सारे, 10 की पावर बेटा -7। ओके बच्चों, तो यहाँ ठीक है जी, याद हो गया डीबी, ये म्यू नॉट क्या है बता रहे, म्यू नॉट क्या है, ये है जी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है जी ये, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में मतलब समझो परमियाबिलिटी का क्या है यार, समझो बेटा कि जो कंडक्टर था, सारे बच्चे देखना, जो कंडक्टर था इसके आसपास क्या है, एयर है, फ्री स्पेस है। मैग्नेटिक फील्ड जब फ्री स्पेस में चलेगा तो फ्री स्पेस कितना प्यार करेगा, उसको आगे मूव करने देगा नहीं करने देगा, कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, ये सारा कौन बताता है, परमियाबिलिटी।
परमिशन गिवन बाय फ्री स्पेस टू पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को फ्री स्पेस में पास करना है तो परमियाबिलिटी उसको कितना अलाउ करेगी, ये वो पैरामीटर है। मतलब अगर ये कंडक्टर पानी में रखोगे तो आंसर्स और आएंगे, परमिटिविटी की तरह है। कैसे जैसे परमिटिविटी था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, स्पेस कैसे बिहेव करता है, परमिटिविटी क्या है, बात को समझिए। ये पैरामीटर क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई, फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बिहेव करेगा, परमिटिविटी बताएगा। समझ में आया, क्लियर जी? परमिटिविटी क्या, सबको क्लियर? अब ये तो है जी वैल्यू निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा दो तरीके हैं, एक तो है मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल जिनका दिमाग बहुत काम करता है, दूसरा है देसी मेथड, है ना, दोनों करवाता हूं। तो पहले मैथमेटिकल समझते हैं क्या है बेटे, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड बेटे। डायरेक्शन कहां से आएगी, आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। बच्चे जो थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसको कम अच्छा लगता है, वो शाम की क्लास पैरल लगा के चले। मैं फिर बोल रहा हूँ, शाम की क्लास दोबारा से लगा के चले। अगर आपको लग रहा है कि वही चैप्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, न्यूमेरिकल पे परफेक्शन चाहिए, तो पैरेलल क्लास लगा के चलें बेटा पहले से ही। आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, ये प्लस वन का बेसिक है। तो अगर मैं बेटा समझिएगा, अगर मैं यहां पर वेक्टर लगाता हूं तो मुझे यहां पर डायरेक्शन डालनी पड़ेगी, रूल है जी वेक्टर का। ये क्या टोपी क्या बता रही है, डायरेक्शन। सो आई विल रिप्लेस दिस कैप विद अ वेक्टर, सो डीवी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर साइन थीटा आर वेक्टर, नीचे आर आ गया, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, आई क्या जी स्केलर है। आप सभी जानते हैं ए क्रॉस बी क्या आता है, ए बी साइन थीटा। तो जब भी डीएल साइन थीटा आ जाए तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्रॉस में जाता है, इतना समझ है कि नहीं है। जब भी साइन थीटा आता है एक्सप्रेशन कहाँ जाता है, ए क्रॉस बी जाता है ना, ए क्रॉस बी। तो बच्चों यार देखो यार, ये डीएल है, ये साइन थीटा है, ये आर है, एक वेक्टर ये बचा, एक वेक्टर ये बचा, और तो कोई है ही नहीं। तो मैं क्या लिखूं इसको, देखिए क्या लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। समझिए मैथमेटिकली चैप्टर को बेटे, लिखता हूं यहां पर क्या, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज सेम एज दैट ऑफ डीएल क्रॉस आर। डीवी का डायरेक्शन वही होगा जो डीएल क्रॉस आर का होगा बेटा, इतना आपको समझ में आया, इतना आप लिख लीजिए आराम से, 2 मिनट का हम स्टे कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ डीएल इज सेम एज दैट ऑफ आई, ठीक है बेटा, सबको क्लियर यहां तक। आगे बढ़ो, मैंने अभी आपको डायरेक्शन निकालने की सिखाई, वैसे कल बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, आज भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं, काफी आगे चल रहे हैं यहाँ से। कल मैंने वहां क्लास नहीं लिया था, क्लास मैंने कल वैसे नहीं लिया था, वो कम बच्चे थे इसलिए नहीं लिया था।
क्योंकि एक ही चीज हम कितने बार रिपीट करें बेटे, हमें भी तो थोड़ा मुश्किल लगता है रिपीट करना है, वही बार बार वही कहानी बार बार सुनाए आपको। तो चलिए, डायरेक्शन ऑफ डी एल इज सेम एज दैट ऑफ आर। इसका मैं एक एप्लीकेशन करवाता हूँ कि एक रिंग है हमारे पास, एक रिंग है बेटा, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग पॉइंट सेपरेट्स लॉ। ओके ठीक है जी, क्या है जी, देखिए फाइंड बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग एट सेंटर ऑफ रिंग। प्लीज ध्यान दें, फाइंड बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग एट सेंटर ऑफ रिंग। हाँ जी बेटा, लिख लिया। चलिए जी, एक रिंग बनाते हैं। रिंग बना लिया जी, इसमें पास करते हैं जी क्या, देखो बहुत दिनों से पढ़ाने की आदत नहीं है तो गला, हाँ एकदम सही है, थैंक यू। तो ये करंट हो गया जी, है ना, आई करंट पास कर दी आई। ओके, हिंदी में मिश्री भी यही काम करती है। हाँ बेटी, तो बाहर सर्वेट्स क्या करेगा, ये सेंटर मान लीजिए क्या है, देखिए जी ये रेडियस, वो क्या होगा जिसका सेंटर आर, क्या मान लो बेटा रेडियस। तो बायट सेवरेट्स ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, बायट सेवरेट्स कहता है भाई अगर तुम्हें रिंग के छोटे से हिस्से का फील्ड निकालना है तो आई कैन हेल्प यू। बड़ी बात मेरे से नहीं होने वाली है ना, कि रिंग का अगर छोटा सा हिस्सा है उसका फील्ड मैं बता सकता हूं, बाकी तुम अपना दिमाग लगाओ। बायट सेवरेट सिर्फ इतने से पीस का मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, कहां पर, ओ पॉइंट पे, कितना होगा वो कौन बताएगा, बताओ बताओ, शाबाश बताओ बेटे। हाँ, सर्वेट्स इतना छोटा पीस है जो इसका ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, कितना होता वो बोलो, याद करो भाई, क्या बात है तुम्हें, मैंने कहा याद करना, याद करो सारे, चलो म्यू नॉट बाय, सारे बच्चे बायट सेवरेट्स का फिर से याद करेंगे, म्यू नॉट बाय आइडियल। तो डीबी क्या हुआ जी, लिखूं यार यहां से फिर से, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ रिंग। ये है बच्चों आइडियल, समझ में आ रहा सबको, बोलो बोलो कितना है जी, बताओ बोले बोले, शाबाश फिर से, म्यू नॉट बाय
फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर? बच्चे मुझे आपसे क्वेश्चन है अभी गर्ल्स में, साइन थीटा बताओ इसमें क्या होगा, कॉपी बताओ थीटा क्या होगा, थीटा क्या चीज है, रिंग भी बनी हुई है, थीटा क्या होगा यहाँ पर? थीटा क्या था, किसमें किस एंगल था? बिल्कुल सही है, सही आंसर, करंट और द पॉइंट वी आर टेकिंग, तो करंट की डायरेक्शन और पी पॉइंट में कितना एंगल है यहाँ पर, ये करंट का डायरेक्शन है ऊपर, ये पी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, तो कितना एंगल हुआ 19, तो जीरो क्यों बोल रहे आप भाई यार, जो भी जीरो बोल रहा है गलत बोल रहा है यार, ये देखो करंट का डायरेक्शन यार आई, ये क्या है पी पॉइंट है तुम्हारा वही, तो ये थीटा क्या हुआ, चीजें रटी नहीं जाती बेटे, चीजें समझी जाती हैं यार। शंकर बताओ थीटा क्या है, किसमें किसमें एंगल है, आई की डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके साथ एंगल, रिंग में होगा हमेशा, पर शेप चेंज होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। तिरछे पे भी आएंगे अभी, ठीक है बेटा, उस पे भी आएंगे अभी, स्टार्टिंग में मेन मेन सीखिए, हम अलग पॉइंट भी लेंगे। तो साइन 90 सबको क्लियर है यहाँ, सबको क्लियर है 90 जी? अब जब मुझे स्मॉल वैल्यू क्लियर है तो आई कैन इंटीग्रेट यार टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग इज, टीवी का इंटीग्रेशन बच्चों यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, साइन तो 90 हो गया, साइन 90 हो गया मतलब साइन 90 इज 1, सो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, डीएल का इंटीग्रेशन इसका हिंदी में मतलब क्या है, कोई भी बच्चा आप में से मुझे बता सकता है डीएल के इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। डीएल के इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है? हाँ जी, बेटा डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब है, सारे बच्चे समझना, आपको इंटीग्रेशन की समझ नहीं है, देखो ये छोटा सा पीस ये डीएल था तुम्हारा, यही डीएल था, डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब है ये सारा रिंग ऐसे छोटे छोटे पीस से मिलके बना हुआ है, बना हुआ है ये सारे छोटे छोटे पीस जब ऐड करोगे ये मतलब है इंटीग्रेशन का, तो डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, अगर आर रेडियस है दिस लेंथ बिलोंग्स टू, तो समझ में आया इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डीएल एक छोटा सा पीस है रिंग का और रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना है, तो डीएल जब आप डीएल डीएल जोड़ते जाएंगे यार किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे, 2 पाई, डीएल डीएल अगर आप ऐड करते जाएंगे किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे, आंसर है जी 2 पाई। क्या आंसर है बच्चों? 2 पाई, ठीक है, तो क्या रखूं यहां पर, आंसर है जी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इनटू
भाई यार। क्लियर बच्चे? आर से यार बड़े प्यार से कट गया, तो ये आ गया जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इनटू 2 पाई। ये आ गया जी एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे बेटे हमने निकाल लिया है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू एंगल 2 पाई। तुम्हें ये याद करना है। अब बहुत सारे बुक और बहुत सारी किताबें क्या करती हैं बच्चों, 2 2 जा 4 इसको काट के बड़े प्यार से छोटा सा लिख देती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मेरे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 की -7, तो काट के मुझे क्या फायदा होगा, फिर मैं म्यू नॉट की वैल्यू क्या भरूंगा, 4 पाई इंटू 10 की -7। लंबा तो फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। तो कई किताबें ये छोटा सा फॉर्मूला भी लिखती हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। बच्चों डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब है, डीएल है छोटा सा लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, और जब इस सारे छोटे छोटे लेंथ को आप ऐड करेंगे बच्चों, सारे छोटे छोटे लेंथ को ऐड करेंगे, अल्टीमेटली जुड़ के आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब है इस पूरे इंटीग्रेशन को जोड़ना। ठीक है, चलूँ आगे जी। फॉर एन रिंग्स होता क्या है यार, एक्चुअली मैं तुम्हें क्या पढ़ाना चाहता हूँ, रिंग्स का नंबर कितना हो सकता है, रिंग्स का नंबर यहाँ पर एक रोटर पड़ा था, मुझे रोटर टाइप मोटर टाइप पड़ी थी खराब, देखो हाँ देखो जी रिंग्स का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, ये रोटर मैं किसी दुकान से उठा के ले आया था इलेक्ट्रिकल शॉप से जाके, देखिए जला हुआ रोटर है ये, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम्हें क्या पढ़ाया जाना है, आप देखिए यार ये रिंग नहीं है, एक देख पा रहे हैं आप, ये देखो आप, चाहे सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, लगभग सर्कुलर है, क्या ये एक तार है, एक दो तीन बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारा जो रिंग का बंडल ये कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा यहाँ सेंटर पे, ये जितनी रिंग्स हैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। प्रैक्टिकली समझिए कि एन का मतलब क्या है, एक तार उतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता, हम क्या करते हैं यार, समझ में आया आपको, सब वो सब बाद में, ये सब इंसुलेटेड होते हैं, इन पे हल्की सी प्लास्टिक की लेयर होती है, जब कभी हीट की वजह से वो लेयर पिघल जाती है, जैसे ही दो तारें टच करती हैं स्पार्क होता है और सारी तारें जल जाती हैं, हम कहते हैं पंखे की मोटर जल गई जी, क्या जल गया उसके अंदर भाई, ये कॉपर की तारें होती हैं, इस पे पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है प्लास्टिक की, जब कभी उसमें एक्सेस करंट पास करता है, ज्यादा हीट पैदा होती है, तो वो लेयर प्लास्टिक पिघल जाती है, तारे आपस में जहां टच करेंगी क्या होगा, तुम्हें ये देखने में लग रहा होगा बेटा कि ये तारे, देखो कोई भी तार रियल में आपस से टच नहीं कर रही है, इसके कलर देखिए आप, दिख तो कापर रहा है, इसके ऊपर पहले क्या किया हुआ है, सर इंसुलेट किया हुआ है, बहुत पतली इंसुलेशन है, देखो जलने के बाद इसका हालत क्या हो गया है, ये काला हो गया, वो इंसुलेशन निकल गई है, पर इसमें स्टिल अभी कुछ टर्म्स ऐसी क्या हैं जो अच्छी, ये देखो अंदर नहीं, अंदर से नहीं जली, ये सारी जल चुकी हैं, अब ये तारे निकाल के नया इस पे दोबारा बाइंडिंग होगी, इस वजह से पंखे को दोबारा हमने भर दिया है। ठीक है जी, आमतौर पे मिस्त्री कर लेते हैं सारे काम, लेकिन ये कॉपर होता है, जिससे कॉपर, और कॉपर महंगा होता है इसलिए बाइंडिंग है वो महंगी होती है, इंडिया का।
आपको ये तो समझ में आया अच्छे से कि एंड टर्म्स का मतलब क्या है यार। ऐसे हमें लिखने से रटना एक अलग चीज है। फॉर एंड टर्म्स क्या होगा जी फील्ड बताइए। मैग्नेटिक फील्ड इज प्लीज ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यार। समझ में आया बेटा एन क्या यार। एन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यार। ओके इतना आप नोट करें। एक बार मैंने अभी आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं सिखाई बेटे, सिर्फ अभी क्या क्या है मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी सिखाई है। ओके ठीक है। आगे चलो बेटा। आगे चलो बेटा इतना क्लियर है। हाँ जी एक और अच्छा कंसेप्ट देखिए कि अगर आपका रिंग, ये तो मैं यार याद करना है। कोई बच्चा कहेगा कि सर जी मैं रिंग का न्यूमेरिकल निकालना है ना, तो बच्चे जब तक तुम यार ये फार्मूला नहीं याद करोगे कि एक रिंग का कितना था ये वाला, आप रिंग का क्वेश्चन कभी नहीं लगा पाएंगे। रिंग का मतलब है इस फार्मूले को सवेरे शाम याद करना है ना। ठीक है जी। अब ज्यादा अच्छी फॉर्म क्या है देखिए। फॉर एनी शेप ऑफ रिंग, रिंग का कोई भी शेप हो सकता है बच्चों, रिंग का कोई भी शेप हो सकता है। स्क्वायर तो रिंग होगा ही नहीं, आधा रिंग, क्वार्टर रिंग है ना। देखो मान लो मैंने एक छोटा सा रिंग इतना बड़ा बना दिया, आर इसका रेडियस है जी, मैंने इसमें आई करंट पास कर दिया और थीटा क्या कर दिया जी एंगल। तो अब मैं पूछूं आपसे कि बेटा जी बताइए इसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे क्या होगा। तो आंसर है जी बी होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर इनटू एंगल। अगर पूरा रिंग है तो एंगल क्या था टू पाई, आधा रिंग है तो एंगल क्या होता पाई। अब थीटा है यार तो थीटा को पाई में मैं चेंज कर दूंगा। मान लीजिए यार थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होता अगर, या 60 डिग्री होता, कुछ भी हो सकता है यार। तो 90 डिग्री को बेटा मैं पाई अपॉन 180 से क्या कर दूंगा, क्योंकि तो हम डिग्री नहीं लेते, क्या लेते हैं जी रेडियन लेते हैं। आंसर क्या आ गया जी पाई बाय टू। आंसर क्या आ गया जी पाई बाय टू। ओके ओके जी। तो क्या आएगा जी क्या आपको समझ में आया जी? Yes, अगर आधा रिंग होता तो क्या बनता पाई, पूरा है तो अगर ऐसे 10 रिंग है तो एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई। अब बताओ चैप्टर आसान है कि हार्ड है? चैप्टर आसान है बेटे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब अगला जो पार्ट है इसका
आपको रिंग का कंसेप्ट समझ में आया? एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुम्हें करवा दूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। देखिए वैल्यू भरिए, ये एक रिंग है, इसमें 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है,